तो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान किया, उसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए और साथ ही यहां जो लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें देखने के लिए, उनको ऑटोग्राफ भी देते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सड़क के दोनों छोर पर काफी संख्या में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, और प्रधानमंत्री ने सीधा संदेश यही दिया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदान है वो करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, और साथ ही कहा कि भारत की जो चुनावी प्रणाली है उस पर रिसर्च की जानी चाहिए। कई दूसरे देशों के जो मेहमान हैं वो पहुंचे हुए हैं इस लोकतंत्र के महोत्सव को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, पर्व है, उसको उसी तरीके से हमें मनाना चाहिए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से, जहां अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं मतदान करने के बाद। पीएम ने कहा कि मतदान कोई सामान्य दान नहीं है, इसकी महत्ता अलग है और हर एक मतदाता को समझनी चाहिए, और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मतदान है वो करना चाहिए। इस दौरान वहां जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मिलते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए लोग अपने घर के छज्जों से खड़े होकर उनका अभिवादन कर रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, साथ ही गृहमंत्री अमित शाह यहां मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब आगे की तरफ बढ़ते हुए मतदान करने के लिए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब राजभवन से रवाना हुए थे मतदान के लिए, और अब वहां पहुंच चुके हैं मतदान केंद्र के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब से कुछ ही देर बाद अपना मतदान वो करेंगे। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो लोग वहां मौजूद हैं वो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे हैं मतदान केंद्र पर। लोगों में काफी उत्साह उनकी झलक पाने के लिए, और हाथ हिलाकर उन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं मतदान केंद्र की तरफ, मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में। ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफ़ी दुरुस्त की गई है, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए लगातार लोगों से अपील करते आए हैं कि अपने जो वो मतदान ज़रूर करें, और उसी श्रेणी में अगर देखा जाए तो अपना मतदान करने के लिए लगातार आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए 93 सीटों पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, और उसी प्रक्रिया में अपना अहम योगदान देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं उनके, धीरे धीरे मतदान केंद्र की तरफ आगे बढ़ते हुए। अहमदाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां से मतदाता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां मतदान केंद्र की तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं यहां पर। और इससे पहले हमने देखा था एक्स पर एक संदेश भी उन्होंने साझा किया था, अपील की थी कि जो भी मतदाता हैं तीसरे चरण के वो अपना वोट ज़रूर डालें, मतदान ज़रूर करें।
और जो कहा वो करके दिखाया। फिलहाल इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक अलग ही उत्साह अहमदाबाद में फिलहाल यहां नजर आ रहा है, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। जो आवाजें हैं वो आप सुन सकते हैं सीधे तौर पर। गुजरात की अगर बात की जाए, सूरत को छोड़कर सभी 25 सीटों पर आज मतदान यहां हो रहा है, और क्योंकि प्रधानमंत्री भी अहमदाबाद से मतदाता हैं तो मतदान करने पहुंचे हैं, और उससे पहले यहां लोगों से मिलते हुए जो लोग यहां पहुंचे हैं उनको देखने के लिए ना सिर्फ उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, बल्कि इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री तस्वीर पर उन्होंने अपना ऑटोग्राफ भी दिया। आम जनता के बीच काफी लोकप्रिय और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल मतदान केंद्र की तरफ लगातार आगे बढ़ते हुए यहां भी आप देख सकते हैं उनको देखने के लिए काफी भीड़ जो है वो नजर आ रही है सड़कों के दोनों तरफ। लेकिन इस मतदान केंद्र पर क्योंकि ये प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद की गई है। और अब से कुछ देर बाद वो भी मतदान करेंगे। सीधी तस्वीरें अहमदाबाद से आप तो देख पा रहे हैं। मतदान स्थल पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दौरान एक छोटी बच्ची से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब मतदान केंद्र में अंदर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मतदान करने के लिए। सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अहमदाबाद से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। लोकतंत्र का महापर्व और उसका जो तीसरा चरण, गुजरात की अगर हम बात करें तो सूरत को छोड़कर बाकी 25 सीटों पर मतदान होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हैं अहमदाबाद से मतदाता हैं, तो बतौर मतदाता अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतदान करने पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस तरीके से आम जन मतदान केंद्र में बूथ पर आगे पहुंचता है, उसी तरीके से मतदान करने के लिए पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर। जो प्रक्रिया है मतदान की आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में, कैसे उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए वोटर स्लिप जो है उसकी जांच की जाती है, देखा जाता है जो उसमें नंबर है, उसके बाद अलग अलग चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है।
ये मतदान की प्रक्रिया और अब ये तस्वीरें काफ़ी अहम। ये तस्वीर मतदान कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।